नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बारिश का कहर, जगह जगह आया मलबा, उफान पर नदियां, सड़कें हुई बंद, यात्रा भी हुई ठप। मुख्यमंत्री ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर ली विस्तृत जानकारी, आपदा सचिव को दीर्घकालिक प्लान बनाने के दिए निर्देश। देहरादून में रजिस्ट्रार कार्यालय में दस्तावेजों से हुई छेड़छाड़ की होगी एसआईटी जांच, मुख्यमंत्री धामी बोले दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। चमोली में देखने को मिला बारिश का कहर, नंदानगर घाट से लेकर देवाल और नारायणबगड़ में बारिश ने मचाई तबाही। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। पहाड़ों में हो रही बारिश के बाद एक बार फिर हरिद्वार जिले के बॉर्डर के इलाकों की स्थिति भी खतरनाक होने की संभावनाएं बनी हुई है। आपको बता दें कि बीती रात भारी बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे पर फाटा के नजदीक एक रेस्टोरेंट तबाह हो गया, जिसमें फंसे दो लोगों को बाद में रेस्क्यू किया गया। वहीं चमोली जिले के नारायणबगड़ के केवर तल्ला की ये तस्वीरें बेहद ही खतरनाक है। यहाँ एक कुत्ता टूटकर गौशाला के ऊपर जा गिरा, जिसमें दो गायों की मौत हो गई, वहीं एक गाय का रेस्क्यू कर उसे बचा ले गया। वहीं चमोली जिले के विकासखंड घाट के मोक्ष नदी में ऐसा प्रचंड वेग देखने को मिला, जिसने घाट प्रखंड के सेरा गाँव में अपना कहर बरपा है, जहां ग्रामीणों ने भागकर अपनी किसी तरह से जान बचाई। वहीं यहां खेत खलियान, गौशाला और घराट सब तबाह हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय स्थित आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम से प्रदेश में हो रही अतिवृष्टि की जानकारी ली। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों से फोन पर वार्ता कर निर्देश दिए कि हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा जाए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी आपदा की स्थिति में लोगों को शीघ्र राहत मिल सके, इसके लिए पूरी तैयारी रखी जाए। श्रद्धालुओं से लगातार हमारी यही अपील है कि मौसम को देखते हुए अपनी यात्रा को वो करें, और मौसम अगर ख़राब है, मौसम विभाग अगर चेतावनी दे रहा है, तो अपनी यात्रा थोड़ा उसके हिसाब से ही निर्धारित करें। खबर देहरादून से है, जहां राजधानी देहरादून की निरंजनपुर मंडी में प्रदेश के भाजपा किसान मोर्चा ने किसान सम्मान और लाभकारी योजना कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह पुंडीर समेत दूर दराज से आए तमाम किसानों ने शिरकत की। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान खेती किसानी में शानदार काम करने के लिए प्रदेश के कई किसानों को सम्मानित भी किया गया। कहाँ से आए हो? चक्रा का नाम है। देखिए, जो हमारी फसलें हैं वो मंडी में आती हैं। मंडी में आने के बाद यहाँ पे मंडी में देखिए आप, बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है, और एक कंट्रोल जो ट्रैफिक का कंट्रोल है वो नहीं रहता है, तो शायद उस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। और जो यहाँ का जो सिस्टम है वो ऐसे भी ई मंडी पोर्टल पे है, लेकिन उसको थोड़ा सा और पारदर्शी करने की ज़रूरत है। और जो यहाँ पे मंडी से जो कमीशन ली जाती है किसानों से, उसको भी थोड़ा पारदर्शी करने की कमीशन है, ताकि जो हमारे किसान हैं उनका मूल्य और अच्छा मिले और किसान की जो दिनचर्या है वो सुधर जाए। अब खबर देहरादून से है, जहां रजिस्ट्रार कार्यालय में जमीनों के दस्तावेज से हुई छेड़छाड़ और धोखाधड़ी की जांच के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी गठित करने के आदेश दे दिए। तीन सदस्यीय एसआईटी में प्रशासनिक सेवा, पुलिस विभाग और निबंधन विभाग के एक एक अधिकारी शामिल किए जाएंगे, ताकि इस मामले की गंभीरता से जांच कर आरोपी को जेल भेजा जा सके। आपको बता दें कि फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने शनिवार को दोनों सब रजिस्ट्रार कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां कई अनियमितताएं पाई गई। इस दौरान कार्यालय में सुरक्षा और रखरखाव के मानक भी पूरे नहीं थे, और अभिलेख कक्ष में प्रवेश को नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही मिली थी। आपको बता दें कि रजिस्ट्रार कार्यालयों में जालसाज गिरोह ने 1978 से 1990 की अवधि में बेनामा और गिफ्ट डीड में छेड़छाड़ की है, साथ ही इस दौरान कई पेपर फाड़कर उनके स्थान पर फर्जी दस्तावेज चिपका दिए गए हैं। खबर देहरादून से है, जहां विक्रम यूनियन ने आरटीओ देहरादून के उत्पीड़न के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। यूनियन ने आरटीओ ऑफिस का घेराव करते हुए चाबियों को वहीं सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि यूनियन ने आरटीओ ऑफिस का घेराव किया, वहीं चाबियों को सरेंडर करने के लिए भी पहुंचे। यूनियन ने कहा कि आरटीओ देहरादून हाईकोर्ट के आदेश की भी अवमानना कर रहे हैं। आपको बता दें कि आरटीओ 10 साल पुराने ऑटो और विक्रम को सड़क से हटाने की तैयारी में थे, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून संभागीय परिवहन अधिकारी आरटीओ के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें आरटीओ ने 10 साल से ज्यादा पुराने ऑटो और विक्रम को सीएनजी या बी स्टिक्स में बदला जाना था। विक्रम यूनियन का कहना है कि इसके बाद भी आरटीओ द्वारा अनावश्यक रूप से विक्रम संचालकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां बसराली नौगांव ब्लॉक उत्तरकाशी जिले का एक 25 वर्षीय युवक बीरेन सिंह रावत, जो कि चंडीगढ़ में पिछले कुछ सालों से होटल में नौकरी करता था, वो पिछले 13 दिनों से लापता था। जानकारी के मुताबिक 5 जुलाई को रात 11 बजे के करीब वीरेंद्र अपने दोस्त खुशपाल के साथ अपने रूम से बाहर निकला था, जिसके बाद दोनों दोस्त एक रेस्टोरेंट में शराब पीने चले गए। करीब 12 बजे होटल से बाहर निकले, जो कि सीसीटीवी कैमरों में साफ देखा जा सकता है, लेकिन उसके कुछ समय बाद खुशपाल दूसरे सीसीटीवी में अकेले दिखाई दे रहा है। तब से लेकर वीरेंद्र का कोई पता नहीं चल पाया। वीरेंद्र के गायब होने के बाद से उसके परिवार का रो के बुरा हाल है। उसके बाद एक जानकारी सामने आई है, जिसमें वीरेंद्र की मौत होना पाया गया है। दीक्षा रावत
जी, जब आप कितने तारीख को गायब हुआ था आपके पति? 5 जुलाई को। 5 जुलाई को क्या घटनाक्रम हुआ था उस दिन पूरा? सर, एक लड़का है, दोस्त आया था उनका, वो बैठे रहे थोड़ी देर, फिर उसके बाद उस लड़के ने बोला कि चलो हम दारू पीने जाते हैं, फिर वो दोनों चले गए। उसके बाद मेरे हस्बैंड घर नहीं आए, वो उस लड़के से पूछताछ करी। वो लड़का कभी हर दिन मतलब नए नए वो करता है, कभी झूठ बोल देता है, जैसे मैं बोलती हूँ CCTV चेक करती हूँ, वैसे बोलता है नहीं जी हम यहाँ से नहीं गए। जो लड़का आपके पति के साथ में गया था उसका क्या नाम है? उसका नाम खुशपाल सिंह राणा है। खुशपाल सिंह राणा है जी, वो पुरुल्ला से है जी। तो क्या लगता है क्या ये पूरा प्रकरण रहा होगा, कहाँ गए होंगे, उसके बावजूद वो घर आ जाता है और आपके पति घर नहीं आते हैं, तो क्या लगता है क्या पूरा प्रकरण रहा होगा? सर, मुझे लगता है उस लड़के से पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम में उसी को उसी के साथ देखा गया है, उसको सब कुछ पता है, वो जानबूझ के अनजान बन रहा है, हर दिन नए नए वो पढ़ता है, चेंज करते रहता है, अपनी लैंग्वेज चेंज करते रहता है कि नहीं आज ऐसा हुआ, नहीं ऐसा हुआ, यहाँ से ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पे ऐसा हुआ, इसलिए मुझे लगता है, मुझे उस पर शक है कि उसी को सब कुछ पता है, और पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर रही है, ना FIR दर्ज की है अभी तक, इसलिए। तो आपने पुलिस प्रशासन से FIR दर्ज करने के लिए कहा हो कभी इससे पहले? सर, मुझे इतना तो पता नहीं है, फिर जो भी उन्होंने उस दिन कंप्लेंट लिखी है उसने मुझे एक दिन वो दी, CT दी, बस उसके अलावा उन्होंने मुझे नहीं तो पता कि FIR और होती है कुछ, इतना पता। उत्तराखंड में अग्निवीर योजना पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता की। गणेश गोदियाल ने भाजपा को चैलेंज किया कि यदि अग्निवीर योजना इतनी ही युवाओं के हित में है तो भाजपा इसके फायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस योजना के नुकसान को गिनाने के लिए पद यात्रा निकालेगी, घर घर जाकर लोगों को इसके नुकसान गिनाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुई हाईकमान की बैठक में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को वापस लिया जाएगा, क्योंकि इससे देश और युवाओं को नुकसान हो रहा है। हम तो ये चाहते थे कि भाजपा इसके फायदे गिनाए, आम लोगों को इसके फायदे समझ आए, लेकिन उसके फायदे गिनाने के बजाय वो कांग्रेस के नेताओं को ज़्यादा कोस रहे हैं कि कांग्रेस के नेता युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यह योजना युवाओं के अहित में है, युवाओं का बड़ा नुकसान है। जो युवा बरसों से तैयारी कर रहा है रेगुलर फौज में भर्ती होने का, उसको अग्निवीर का झुंझुना थमा कर उसके आशाओं पर कुठाराघात। भारतीय फौज में भी मैं नहीं समझता कि अग्निवीर योजना से फौज को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्राप्त होगी, बल्कि रेगुलर भर्ती से ज़्यादा स्ट्रेंथ प्राप्त होगी। फौज के तमाम वो लोग जो फौज से रिटायर हुए हैं और बिना राजनीतिक भावना के अगर अपनी भावना व्यक्त करते हैं, तो वो भी इस बात को मानते हैं कि अग्निवीर योजना से बेहतर था कि फौज की रेगुलर भर्तियाँ जैसे पहले होती थी वैसे होती आएँ। तो ये तमाम नुकसान है, और उसके बावजूद भाजपा के नेता परसों आकर राहुल गांधी जी को ये कह रहे हैं कि वो उत्तराखंड में अग्निवीर योजना के खिलाफ में पैदल मार्च करेंगे तो युवाओं को बरगलाने का काम करेंगे। खबर पौड़ी से है, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण को लेकर कांग्रेस नेताओं ने पौड़ी में सड़कों पर उतरकर प्रकरण में VIP का नाम उजागर करने के साथ ही पूरे हत्याकांड की CBI जांच करने की मांग उठाई। कांग्रेस ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए पौड़ी में न्याय यात्रा शुरू की है। ये यात्रा अब गढ़वाल मंडल के सभी जिलों में आयोजित की जाएगी। कांग्रेसियों ने खांडूसैन में जमा होकर प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और मनीष खंडूड़ी की अगुवाई में शहर में न्याय यात्रा निकाली, जो कि खांडूसैन से होते हुए सर्किट हाउस, सिविल लाइन, एजेंसी चौक, माल रोड, धाड़ा रोड से होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पर समाप्त हुई। इस मौके पर कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि मामले को पहले से ही घुमा फिराकर तथ्यों को छिपाने की कोशिश की गई है और सरकार इस प्रकार से आरोपियों को बचाने की कोशिश भी कर रही है। जो यात्रा है ये 6 दिन की है, पौड़ी लोकसभा की है, और इसका नाम जो रखा गया है वो स्वाभिमान न्याय यात्रा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े विभूतियाँ इस पौड़ी ने दी हैं जिनके नाम अभी मैंने उल्लेख किए थे। मैं याद दिलाने आया हूँ कि आप कौन हैं, किनकी संतति हैं, इस गढ़वाल ने कितनी वीरता के कारनामे किए हैं। जहाँ गब्बर सिंह जी हैं तो वहीं यहाँ श्रदेव सुमन जी भी हैं, यहाँ अगर हेमवती नंदन भोगड़ा जी हैं तो नौटियाल साहब भी हैं, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी विभूतियाँ हैं जिन्होंने इस भूमि में जन्म लिया। यहाँ इस भूमि से जहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निकले, तो अनेकों कल्चरल एक्टिविटीज़ में जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी इत्यादि लोग यहाँ से निकले हैं। तो ऐसे क्षेत्र में जब मैं लोगों को चुप देख रहा हूं तो मुझसे सहन नहीं हो रहा, मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं उनके स्वाभिमान को जगाने आया हूं। सर्वाधिक फौजी देने वाला ये गढ़वाल का क्षेत्र आज अग्निपथ योजना को लेकर उद्वेलित नहीं है, ये मेरे लिए चिंता का विषय है। जहां फौज को खतरा है, फौज की के साथ साथ देश की सीमाओं को खतरा है, मेरे युवाओं के भविष्य को खतरा है, उसके बाद भी जब हम लोग जागरूक नहीं हो रहे तो उसको जगाने के लिए मैं आया हूं। मेरी बेटी अंकिता, उसके संग जो हुआ है, जो किरण नेगी के संग हुआ, जो पिंकी के साथ हुआ,
वो किसी अन्य की बेटी के साथ ना हो, ये भी मेरे लिए चिंता का विषय है। अब खबर देहरादून से है, जहां सोमवार देर रात लगातार हो रही बारिश के चलते रायपुर क्षेत्र में शांति बिहार और सपेरा बस्ती के बीच बहने वाला नाला उफान पर आ गया, जिसके चलते चार मकान और चार दुकानें भी ध्वस्त हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मकान में रह रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं नाले के उफान को कम करने के लिए नाले में गिरे मलबे को हटाया गया, साथ ही नाले के आसपास रहने वाले सभी लोगों को घरों से हटाते हुए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अब खबर हरिद्वार जिले के खानपुर विधानसभा से है, जहां साउथ सिविल लाइन में लोगों ने खानपुर विधायक उमेश कुमार को दूध से स्नान करवाया। इन लोगों ने बताया कि खानपुर विधायक हमें गंदे पानी से निजात दिलवाने का काम कर रहे हैं, इसलिए उनको दूध से नहलाया गया। आपको बता दें कि खानपुर में बारिश के बाद लगातार बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जगह जगह पानी भर गया और लोग बेघर हो गए, लोगों के पास संकट पैदा हो गया है। वहीं किसानों की फसलें भी चौपट हो चुकी हैं। वहीं संकट के समय में क्षेत्र के विधायक उमेश कुमार क्षेत्र की सड़कों और गलियों में उतरे और राहत और बचाव कार्य उन्होंने शुरू किया। आपको बता दें कि लगातार कई दिनों से बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों ने उन्हें दूध से नहलाने का सम्मान दिया है। अब खबर रुड़की से है, जहां मिलाप नगर में जल भराव का निरीक्षण करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद हरिद्वार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का बड़ा घेराव कर क्षेत्र के महिलाओं ने उन्हें खरी खोटी सुनाई और साथ ही काफिला रोककर महिलाओं ने जमकर हंगामा काटा। आपको बता दें कि लोगों ने आरोप लगाया कि सांसद का चेहरा तक उन्होंने आज तक नहीं देखा और कभी भी सांसद उनके दुख सुख में खड़े नहीं रहे। अब खबर डोईवाला से है, जहां क्षेत्र में हुई लगातार बारिश के बाद सुसुवा नदी में आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। प्रभावितों की शिकायत पर देहरादून के एडीएम प्रशासन एसके बर्नवाल और डोईवाला के एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी के साथ लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने क्षेत्र में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया और बाढ़ से बुल्लावाला पुल को पहुंचे नुकसान का निरीक्षण कर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से पुल की सुरक्षा दीवार के साथ ही नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। जो बुल्लावाला पुल का निरीक्षण किया गया, इसका जो नीचे वो एक सुरक्षा दीवार होती है, लॉन्चिंग दीवार होती है, वो एक पोर्शन जो है वो बह गया है और उसके नीचे फिर पुल का जो नीचे मतलब कटाव होना शुरू हो गया था, क्योंकि बारिश बहुत तेज हुई थी उसके कारण ये हुआ। और आज जो है इसी क्रम में हमारे खनन विभाग, आदिशासी अभियंता जो पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और फॉरेस्ट, राजस्व विभाग सभी यहाँ पर उपस्थित हुए और ये पाया गया कि जो यहाँ पर उस जगह पर दीवार थी वो पूरी तरह नहीं लगाई गई थी और उसका जो है इनको बता रहे हैं कि मिटिगेशन करने का पैसा इन्होंने मांगा हुआ है। अब खबर पिथौरागढ़ से है, जहां राष्ट्रीय कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर पद यात्रा उत्तराखंड में भी शुरू करने जा रही है। पद यात्रा का रोड मैप उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा तैयार कर लिया गया है। पद यात्रा की तैयारियों को लेकर कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने कांग्रेस कार्यालय में जनपद स्तरीय पदाधिकारियों के साथ पद यात्रा के आयोजन को लेकर बैठक की। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल रेजिमेंट में प्रदेश के युवा जाकर देश की रक्षा करने के साथ रिटायरमेंट के बाद पूर्व सैनिक का दर्जा लेकर समाज में बेहतरी के साथ जीते थे, पर भाजपा सरकार ने उनके इस हक को भी छीन लिया है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना युवाओं के हित में नहीं है। वहीं प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेहतरी के लिए ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी प्रदेश में पद यात्रा शुरू करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी बैठक में ये कह रही है कि जो उत्तराखंड के भविष्य का बड़ा प्रश्न है, सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ के नौजवानों के रोजगार से जुड़ा और जो पूरी तरह से उद्वेलित है, उसके रोजगार पर मोदी सरकार की सबसे बड़ी चोट की है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि पूरे दो महीने कम से कम इस अग्निवीर योजना के विरोध में, इस तरह अग्निवीर योजना ने उत्तराखंड के नौजवानों के साथ, उत्तराखंड के लोगों के साथ छल किया और किस तरह से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर किया है, इसके लिए एक बड़ी पदयात्रा संपूर्ण उत्तराखंड में होगी, जिसमें कि संपूर्ण उत्तराखंड का जो नेतृत्व है भाग लेगा और हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल जी ने कहा है, आश्वस्त है कि 10 दिन वो खुद इस पदयात्रा में उत्तराखंड में शामिल रहेंगे और प्रियंका गांधी जी भी इस यात्रा में कहीं पर हो भी सकते हैं। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर में सावन मेले का शुभारंभ हो गया है। अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र सांसद अजय टमटा और जिलाधिकारी विनीत तोमर ने रिबन काट जागेश्वर धाम में भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर मेले का उद्घाटन किया। भगवान शिव विश्वम्भर नाथ का प्रथम ज्योतिर्लिंग देवभूमि हिमालय के जागेश्वर में स्थित है। जागेश्वर का प्राचीन मृत्युंजय मंदिर धरती पर स्थित बाहर ज्योतिर्लिंगों का उद्गम स्थल है। यहां 125 देवी देवताओं का समूह स्थापित है। हर वर्ष यहां बड़ी संख्या में लोग सावन के महीने में पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ को दूध जल और गंगा जल से जलाभिषेक करते हैं।
रिवाज है इस बार, और इस बार जो सामान्य मेले की अपनी होती है उसके कारण जो है थोड़ी अपनी लंबी हो गई है, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो साफ सफाई की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना आए, और जो हमारे श्रद्धालु देश के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं वो यहाँ आकर अपने सुकून की एक प्राप्ति करके जाए, शांति की प्राप्ति जाए, और अपनी मनोकामना पूरी करने की अपनी मन मांग कर जाए, उन सभी का मैं स्वागत भी करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि वो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और बाहर जाकर भी हमारे क्षेत्र के बारे में बताए कि यहाँ के जो पुजारी वर्ग है और जो प्रबंधन समिति है वो किस तरह से व्यवस्थाएँ की हुई है, और मैं चाहूँगा कि हम लोग इस तरह से काम करें कि सभी लोग जो यहाँ आए वो संतुष्ट होकर जाए। और खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार के लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक लक्सर पहुंचे और उनके द्वारा पहले हरे कृष्णा मंदिर परिसर में बाढ़ प्रभावितों के लिए संचालित संयुक्त रसोई में भोजन व्यवस्था को परखा गया, फिर बाढ़ से ग्रस्त इलाकों का दौरा कर व्यापारी वर्ग से भी नुकसान का जायजा लिया गया, जिसके बाद वो खानपुर क्षेत्र में पहुंचे और जहां क्षेत्रीय पीड़ित किसानों से रूबरू होकर उनकी फसलों के नुकसान की जानकारी ली। वहीं लोकसभा सांसद द्वारा बाढ़ के बाद लक्सर क्षेत्र में ये दूसरा दौरा है। आपको बता दें कि इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश और जितेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। मुझे लगता है कि स्थिति तो आप सब लोग देख ही रहे हैं, लेकिन हमारा प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। राहत कामों में कहीं भी कोई ढिलाई ना बरती जाए, लगातार हम भी देख रहे हैं, जिला अधिकारी, SSP और कमिश्नर और स्वयं मुख्यमंत्री इसकी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। कल भी मैंने जिला मुख्यालय में समीक्षा की थी, जिसमें जिलाधिकारी, SSP सारे आला अफसर थे, एक एक तहसील की समीक्षा की, पैसे की कोई कमी नहीं है। PDLD को तत्काल जितनी सड़कें बंद हैं युद्ध स्तर पर उनको खोलने के लिए धनराशि दी गई है। सिंचाई विभाग को जो तटबंध टूटे हैं उसको युद्ध स्तर पर बनाने के लिए कह दिया है। CMO को ये कह दिया कोई दवाई की कमी ना हो। और इसके बाद जो स्वच्छता के बारे में है, स्वच्छता की वो अलग से जिम्मेदारी लें कि क्या प्लान बनाएं। ऐसे ही विभिन्न विभागों को, जो कृषि विभाग है वो किसानों की जो समस्याएं उसको देखें। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के तल्ला सल्ट में विकासखंड द्वारा रोपण से पोषण अभियान के भोनखाल, बौर तल्ला, हरड़ा, मोलकी, तड़म आदि गांवों में ग्राम विकास अधिकारी गोविंद सिंह नेगी के नेतृत्व में आम, अमरूद, नींबू, लीची, कटहल सहित अन्य कई प्रजातियों के 500 से ज्यादा छायादार और फलदार पौधे लगाए गए। अब खबर रुड़की से है, जहां बीजेपी के रुड़की जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति लक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि सरकार की पूरी नजर बाढ़ ग्रस्त लक्सर पर है। कुछ ही दिन पहले CM का दौरा इसका उदाहरण है। उन्होंने कहा कि बाढ़ क्षेत्र में मुख्यमंत्री चाहते तो हवाई दौरा भी कर सकते थे, लेकिन उनके द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया और आपात बैठक लेकर अफसरों को भी काम पर लगाया जा चुका है। वहीं इस दौरान वरिष्ठ बीजेपी नेता जितेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आपदा में फोटो खिंचवाने के बजाय आपदा पीड़ितों की मदद में जुटे हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जिस प्रकार सोशल मीडिया पर वीडियो में बाढ़ ग्रस्त पीड़ितों से मुलाकात का दिखावा करते हैं। इसमें आपदा आई है और आपदा में हर इंसान परेशान है, क्योंकि किसानों की फसलें चौपट हो चुकी हैं, बहुत सो के घर बार चौपट हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, सब तन मन धन से लगे हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता ऐसे फोटो खिंचवाने वाले नहीं हैं। जैसे माननीय हरीश रावत जी यहाँ पे आए और एक भट्टी पे एक कढ़ाई चढ़ाकर उसमें पूरी तलते हुए चार पूरी किसे किसे बांटे गए, चार पूरी तल ले भट्टियों बैठे। अरे तुम मंगवाओ वहां से और मंगवा के वहां पे बाढ़ पीड़ितों को बांटो, बांटने का कोई उनका उचित नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे तन मन धन से आपदा पीड़ितों के साथ है, और आज हमारे जिलाध्यक्ष जी मेरे साथ भी हैं, जो रुड़की से शोभाराम प्रजापति जी, पूरी टीम के साथ उसी दिन से लगे हुए हैं। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा जिले के विकास कंसल्ट के भोनखाल में रावत डेंटल क्लिनिक रामनगर की ओर से निशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉक्टर विक्रम रावत ने 70 ग्रामीणों के दांतों की जांच की, साथ ही निशुल्क दवाइयां वितरण भी की। अल्मोड़ा जिला के भोनखाल में 2 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे द्वारा शिविर में 70 मरीजों का चेकअप फ्री हुआ, और जिसमें देखा मैंने कि उनका मुंह में कैविटी और उनके सब कुछ देख के मैंने उन लोगों को समझाया, और आगे भी हम एक लोग करते रहेंगे। देहरादून में किया कंपनी ने नई किया सेलेटरी लॉन्च की है। कंपनी के MD पंकज भान ने बताया, हम नई किया सेल्टोस के आगमन की घोषणा करते हुए रोमांचित हैं। किया इंडिया के लॉन्च के 3 साल से भी कम समय में सेल्टोस की 5 लाख यूनिट बेचकर रिकॉर्ड बना लिया है। वहीं नई किया सेल्टोस अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और प्रीमियम सुविधाओं में से एक श्रृंखला प्रदान करती है, जो आराम, सुविधा और सुरक्षा के लिए मानक स्थापित करती है।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा लक्सर क्षेत्र में आई बाढ़ के कारण स्तरीय व्यवस्था का स्वतः संज्ञान लिया गया है। दरअसल उत्तराखंड उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की माने तो उनके मुताबिक लक्सर के नागरिक बाढ़ के कारण जन सैलाब से खाने पीने से वंचित हो रहे हैं, जिसका हवाला देकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार जनरल को संबोधित करते हुए पत्राचार से अवगत कराया गया, जिसके बाद प्रकरण मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पहुंचा और उन्होंने लक्सर में बाढ़ के कारण पर आई आपदा और फैली अव्यवस्थाओं पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की गई और लक्सर निकाय विभाग सहित स्थानीय प्रशासन को साफ सफाई सहित सैनिटाइजर से छिड़काव करने का निर्देश जारी किया गया। लक्सर में बहुत बाढ़ पानी का बहुत ज़्यादा बहाव आ चुका है, काफ़ी घर वहाँ पर डूब चुके हैं और न खाने की कोई व्यवस्था है, न पानी पीने की व्यवस्था है, दूध के लिए भी आदमी को बहुत दूर जाना पड़ रहा है जिस पर काफ़ी महंगा दूध किया जा रहा है। तो उसी चीज़ को हमने देखते हुए रजिस्ट्रार जनरल साहब को एक लेटर लिखा। रजिस्ट्रार जनरल ने हमारे लेटर को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा, जिसमें आज माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने 7 नंबर पर मैटर लगा था, स्वतः संज्ञान लिया और उसमें एक डायरेक्शन दिया कि नगर पंचायत जो वहाँ पे है, जो अपनी रिपोर्ट लाई थी कि हमने साफ़ सफाई की है और हम ये करने जा रहे हैं, तो कोर्ट ने माननीय न्यायालय ने आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और नगर पंचायत को डायरेक्शन दिए हैं कि आप वहाँ पे साफ़ सफाई रखिए, सैनिटाइज का प्रयोग करें और गंदगी को वहाँ से हटवाएं। तो ये सभी को देखते हुए एक रिपोर्ट उनने दी है आज आपके नगर पंचायत ने, तो उसमें हमें 10 दिन का टाइम दिया है उस रिपोर्ट को उसका काउंटर फाइल करने का, हम अपना जवाब उसमें देंगे। अभी तक की खबरों में बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी, तब तक के लिए नमस्कार।